आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम होम साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पार्ट 14 हम पहले ही पढ़ चुके थे, आज हमारा 15वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी प्ले लिस्ट में जा करके देख लें, ठीक है। हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो जो आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। देखते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा किससे क्या है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें आपको 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं हल करा रही हूँ। बोर्ड 7 प्रकार का पेपर बनाता है, इसीलिए आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे कि आप किसी भी कोई सा भी सेट आपके पास आ जाए तो आसानी से आप कर पाएँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। चोट लग जाने पर तुरंत बाद यानी सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। यानी कि चोट लगने के तुरंत बाद घर पर हम जो उपचार करते हैं, दवाई देते हैं या फिर दवाई लगाते हैं, तो उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, जो चोट लगने के तुरंत बाद हम जो उपचार देते हैं घर पर, उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार की अस्थि भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है, यानी कि किस प्रकार की हड्डी टूट जाने पर रोगी को बर्फ़ चूसने को दी जाती है। तो इसमें है, पसलियां टूट जाने पर रोगी को बर्फ़ चूसने को दी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी की पसलियां टूट जाती हैं तो रोगी को बर्फ़ चूसने के लिए दी जाती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, चल और अचल संधि में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। यानी कि चल संधियों में विभिन्न प्रकार से गति निर्धारित होती है, ठीक है। यानी कि चल संधि वे होती हैं जिनमें मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और जबकि अचल संधि में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अचल संधि वे संधि होती हैं जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, चल संधि के उदाहरण कौन कौन से, कंधे, कोहनी, घुटने, है ना, यानी कि जोड़, ठीक है। जो जहाँ पर जोड़ होता है हमारे, तो वहाँ पर मूवमेंट होता है। जैसे कोहनी है ना, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम चल संधि बोलेंगे, ठीक है। यानी कि चल संधि वह संधि होती है जहाँ पर मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और अचल संधि वह होती है जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, जैसे खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ है ना, तो वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो अचल संधि होगी। यानी कि जबकि अचल संधि में किसी भी प्रकार का की गति नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अचल खोपड़ी में हड्डियों के जोड़ में कोई भी गति नहीं होती है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो उसे अचल संधि बोलेंगे, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए, चल संधि में कंधे, कोहनी, घुटने आदि के जोड़, ठीक है। और इसके बाद अचल संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, खोपड़ी की अस्थियों के जोड़, यानी कि खोपड़ी की हड्डियों के जोड़, ठीक है। बाहक चेक किसे कहते हैं, बाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से नकद पैसे ले सकता है, ठीक है। यानी कि बाहक चेक में खातेदार को जाना नहीं पड़ता है, खातेदार किसी विश्वास पात्र को चेक दे करके किसी से भी पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से नकद पैसे ले सकता है, इस प्रकार का चेक अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को देकर बैंक से धन निकलवाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि खातेदार किसी भी विश्वास पात्र को अपना चेक दे करके किसी से भी पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। और खातेदार के सिग्नेचर जरूरी होते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में पानी का क्या कार्य है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी शरीर की जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है,
यह प्यास को शांत करता है, यानी कि पानी शरीर की जल संबंधी आवश्यकता की को पूर्ति करता है और प्यास को बुझाता है ना, शांत करता है और रक्त को तरलता प्रदान करता है, यानी कि रक्त को पतला बनाता है। ठीक है, तरलता का मतलब होता है पतला। और पाचन क्रिया तथा उत्सर्जन क्रियाओं को संभव बनाता है तथा शारीरिक स्वच्छता का मुख्य साधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, बजट क्यों तैयार किया जाता है? बजट निम्नलिखित कारणों से तैयार किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, यानी कि परिवार की आवश्यकताओं के रहन सहन को ध्यान रखने के लिए और आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखने के लिए। ठीक है, यानी कि अचानक कोई कार्य आ जाए तो उसको ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलन बनाना होता है। ठीक है, यानी कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है आय यानी कि आमदनी और खर्चे को बराबर बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बचत के चार मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? वृद्धावस्था में आर्थिक सहायक, यानी कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसमें आर्थिक सहायता मिलती है, और बच्चों के विवाह में सहायक। ठीक है, यानी कि सहायक, ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही बचत है तो बच्चों के विवाह में सहायता मिलेगी, है ना, और किसी से उधार लेने नहीं पड़ेंगे। आकस्मिक व्यय को पूरा करना, यानी कि अचानक वाले खर्चों को पूरा करना। ठीक है, आकस्मिक मतलब होता है अचानक और व्यय मतलब खर्चा। ठीक है, अचानक वाले खर्चे को पूरा करना और आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, यानी कि हम आरामदायक वाली वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होते हैं।